आज का टॉपिक है हमारा वात कल्पना सेकंड चैप्टर मध्यम खंड का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये एक सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है सारंग संहिता में, मध्यम खंड में। ये कुछ बड़े चैप्टर में एक चैप्टर है वात कल्पना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं और आते भी है, और ज्यादातर को पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज पार्ट, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है वात कल्पना को। पार्ट ए इसमें डेफिनेशन है और बेसिक्स क्वेश्चन है और कुछ फॉर्मुलेशन है और वहां पे गलती क्या होती है। पार्ट बी में अदर फॉर्मुलेशन है ज्वर के अलावा, उनका रोग अधिकार कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और जो पार्ट सी में डिवाइड किया है वो यूस है, यवागु है, उष्णोदक है, मंड है, चीरपाक है, ये सभी जो चीजें बची हुई है सभी पार्ट सी में डिवाइड किए हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पार्ट ए की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है, देखो इसमें स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, नंबर वाइज पॉइंट पढ़िए तो हम सीक्वेंस में जाएंगे। तो नंबर वन है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में देखो सभी को पता है कि वन पार्ट में द्रव्य लेना है, 16 पार्ट द्रव द्रव्य लेना है, 8 पार्ट रिड्यूस करना है, ये तो सभी को पता है। अगर वो सिंपल क्वेश्चन आएगा तब सॉल्व हो जाएगा, अगर वो क्वेश्चन श्लोका बेस आएगा तो हमको कैसे सॉल्व करना है। तो हमको इस श्लोका का वर्ड देखना है कि पानीय सोडस गुड़म वर्ड आया या नहीं, मतलब हमें संस्कृत को वहां पर कन्वर्ट करना है लैंग्वेज में। ठीक है, अगर ये सोडस गुड़म वर्ड है और द्रव्य पले मतलब वन पल द्रव्य एंड सोडस गुड़ पानी और अष्टम अंश अवशेषितम मतलब 1/8 तक हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दो तरीके से सकते हैं, श्लोका बेस या फिर सिंपल दे देगा कि रेशियो ऑफ द्रव्य, द्रव्य मीन्स ड्रग जो हम लोग यूज कर रहे हैं औषधि, द्रव द्रव्य मीन्स जो मीडिया है, तो अगर रेशियो पूछता है तो आंसर जाएगा 1:16, रिड्यूस हमें करना है वो अष्ट अंश अवशेषितम मतलब 1/8 शेष, ये हो गया पॉइंट नंबर वन। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर है, पॉइंट नंबर टू देखेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स है ये सभी सारंगधर से हमने पॉइंट लिखा लिए, जो क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, श्लोका ही उस चैप्टर के अंदर है, अप्रोक्स 176 श्लोका है। सिनोनिम्स में से देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, दो सिनोनिम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड रिपीटेड वही सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, क्वाथ है तो कसाय, ये कॉमन है और हमें हमेशा याद रहता है, लेकिन जो गलत होता है ना वो श्रत है। श्रत में हम लोग हिम के साथ फांड के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हम सॉल्व करते रहे क्वेश्चन तो हमको याद रहता है श्रत इज सिनोनिम्स ऑफ क्वाथ, लेकिन अगर हम पहली बार देखेंगे तो श्रत सोच के हम लोग सोचेंगे कोल्ड वाटर है, श्रत जल, वहां पर अंडरस्टैंडिंग अगर हमने लगाई तो ये आंसर हमारा हो जाएगा रॉन्ग। तो श्रत इज सिनोनिम्स ऑफ क्वाथ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निरूह, निरूह एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, हम लोग को याद नहीं रहता है। ठीक है, हम लोग इसको क्या सोच सकते हैं कि हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोग स्वरस में टिक कर सकते हैं निरूह, अगर नहीं पढ़ा होगा तो डायरेक्ट ब्लाइंड लगाएंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि रेशियो एज फॉर ड्रग, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। देखो अगर बिना किसी द्रव्य के पूछा है, उन्होंने क्वेश्चन में ना मृदु द्रव्य दिया है, ना मध्यम, ना कठिन, ना अत्यंत कठिन, तो हमारा रेशियो जो ऊपर बताया है ना 1:16 रहेगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया है कि सारंगधर के अकॉर्डिंग अगर कोई मृद मतलब फॉर्मुलेशन में मृदु द्रव्य ले रहे हैं, ठीक है, तो जल का अनुपात कितना होगा, 1:4 आंसर जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है अगर मध्यम और कठिन है तो 1:8 जाएगा, और अगर अत्यंत कठिन है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कठिन में आंसर हमेशा 1:8 जाएगा, अत्यंत कठिन है या अत्यंत कठिन है तो आंसर जाएगा 1:16। तो थोड़ा फोकस करना यहाँ पर पॉइंट नंबर तीन पे, गलती हो सकती है, और मेरे हिसाब से सी वाला पॉइंट है, 5-स्टार क्वेश्चन है, ये पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ जो पॉइंट है अदर पॉइंट जो बचे हुए थे, मात्रा हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, स्वरस की मात्रा कितनी थी, अगर सा अग्नि है निराग्नि है,
निरागिनी अर्धपल, सागिनी वन पल, और जो क्वाथ की मात्रा है वो कितनी होगी, 2 पल। और क्वाथ कब देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि हम लोग क्या सोचते हैं, प्रातःकाल या फिर भोजन के पश्चात, ज्यादातर मेडिसिन उसी तरह लेते हैं ना खाने के बाद, या फिर रात्रि काल। ऑप्शन में सभी मिलेंगे आपको, लेकिन जो करेक्ट, हर रस के पाक होने के बाद हमको देना है क्वाथ। ठीक है, क्वाथ कितने प्रकार के होते हैं इसका भी वर्णन आया, 7 तरह के क्वाथ होते हैं। इसकी ट्रिक क्या है कि डीपीटी क्या है, जो लोग हम लोग मॉस्किटो को किल करने के लिए यूज करते हैं, डीपीटी ने पहले क्लेदन किया, फिर शोषण किया, ठीक है, फिर उसके बाद शोधन किया और समन किया, तो अपोजिट टर्म है, याद हो जाएंगे। डीपीटी मतलब दीपन, पाचन, तर्पण, क्लेदन किया, फिर शोषण किया, शोधन किया और समन किया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा क्वाथ का टाइप नहीं है अंदर के अकॉर्डिंग, तो टाइप ऑफ क्वाथ कितने है, 7, ये आपका विमर्श में मिलेगा। पॉइंट नंबर 5 है, ये लेवल 4 क्वेश्चन है, ये हाई लेवल क्वेश्चन में आता है, प्रक्षेप द्रव्य। और यहाँ पर मतलब क्या है कि ये मैथमेटिकल कंसेप्ट में आते हैं टॉपिक, और यहाँ पे गलती होने के चांस रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ना, प्रक्षेप द्रव्य, उसको समझना कैसे है। उसमें 2 एलिमेंट है, शर्करा और मधु, आपको इसी पे फोकस करना है, शर्करा पर मधु पे। और शर्करा मधु में जो अनुपात रहता है ना प्रक्षेप द्रव्य वात में, हमें कैसे डालना है, वो दोष के अकॉर्डिंग है, दोषास के अकॉर्डिंग है, वात पित्त कफ। तो सीक्वेंस में देखो, शर्करा है उसमें 1/4, 1/8, 1/16, मधु में रिवर्स हो जाता है 1/16, 1/8, 1/4। ओके, तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर 2 तरीके से बनेगा, कैसे आएगा क्वेश्चन, कि वात जो रोग में शर्करा का कितना प्रमाण होगा वात में, आंसर कितना जाएगा 1/4, यही पे गलत होगा। और मधु का प्रमाण कितना रहेगा वात जो रोग में, 1/16। तो हमेशा वात और कफ में याद रखना, दोनों में, पित्त दोनों में कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पित्त 1/8 है और 1/8 पार्ट है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा शर्करा वर्सेस मधु। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर सॉलिड प्रक्षेप द्रव्य है क्वाथ में हमें मिलानी है, जैसे गुगलू है, जीरक है या लवण है, तो क्या मात्रा होनी चाहिए, उसकी जो मात्रा है वो 1/3 है। ठीक है, और हम लोगों ने कल स्वरस में जो पढ़ा था, स्वरस में प्रक्षेप द्रव्य सॉलिड है तो कितनी होनी चाहिए, कोल मात्रम, यहाँ पर है 1/3 = 4 मासा, मतलब ऐसे घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, और 4 मासा = 1/2 तोला। तो ये 3 ऑप्शन ठीक होंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो रहेगी, जो श्लोका में दिया 1/3। ओके, और अगर हमें लिक्विड है उसमें बाद में हमें क्षीर मिलाना है, गुड़ मिलाना है, या घृत तेल प्रक्षेप द्रव्य के फॉर्म में अगर मिलाना है, तो हर्ष मात्रा। ओके, ये हो गया हमारा वात में प्रक्षेप द्रव्यों का प्रमाण, अलग अलग शर्करा वर्सेस मधु पड़ा हमने, सॉलिड प्रक्षेप द्रव्य देखे और हर्ष मात्रा। अब हम बात करेंगे कुछ रूल की, कौन से हमें वात के प्रयोग करते समय या फिर निर्माण करते समय कौन से नियमों का हमें पालन करना चाहिए। तो पहला नियम है कि हमें क्वाथ को, अगर एक बार क्वाथ फॉर्म हो गया है और उसको कूल डाउन किया है या फिर ल्यूकवॉर्म है, हमें उसको फिर से हीट नहीं करना, ये नहीं है कि फिर से उसी टेम्परेचर पे करना, तो वो विष के समान हो जाता है, ये किसी पूछा था। ओके, और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कि क्वाथ के निर्माण के समय हमें उसको कवर करके नहीं रखना है, और कवर करके अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दुर्जर हो जाएगा और गुरु हो जाएगा। ये हो गया हमारा बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाथ कल्पना। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे फॉर्मुलेशंस पे, और फॉर्मुलेशंस क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वाथ है वो गुड़च्यादि गढ़ का क्वाथ है, ये सर्व ज्वर हरा, ये क्वेश्चन पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा गुड़च्यादि क्वाथ, देखो गुड़च्यादि गढ़ का क्वाथ क्वेश्चन आएगा तो आंसर जाएगा सर्व ज्वर हरा। और अगर क्वेश्चन पूछा गया गुड़च्यादि क्वाथ एचवर सारंगर कहां यूज करते हैं, तो आंसर जाएगा बात जी ज्वर। ठीक है, अब देखो एक चीज समझाता हूँ आपको, इसमें जब आप पढ़ेंगे ज्वर के फॉर्मुलेशन जहां पर आएंगे सनातन में, तो जो बात ज्वर है वो 7th रात्रि में देना है, 7th दिन में देना है, और पित्त जो आपके ज्वर के जो भी क्वाथ होंगे वो हमें कब देने हैं, 10th डे में या 10th रात्रि को, और कफ ज्वर के जो भी क्वाथ आएंगे वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है हमारे लिए 12th डे या 12th रात्रि। ओके, तो ये समझ के चलना, जैसे यहाँ पर बात ज्वर आए तो 7th डे पे देना है। ठीक है, आगे देखेंगे तो सालपर्ण आदि क्वाथ और कासमर आदि क्वाथ, ये दोनों बात ज्वर में, तो बात ज्वर के 3 क्वाथ हो गए।
आगे से देखना, देखो याद कौन सा नहीं रहेगा। देखो परपट आदि ठीक है, परपट पित्तहर है, द्राक्षा पित्तहर है, कटफल थोड़ा याद नहीं रहेगा। कटफल हम लोग क्या सोचते हैं कि सुरूपीचन में यूज करते हैं, नस्य में यूज करते हैं, तो कफ का नाश करेगी, तो गलती हो जाएगी, तो अंडरलाइन करना कटफल को पित्त ज्वर में यूज कर। ठीक है, अब देखो क्या है कि परपट क्वाथ की कुछ विशेषता बताई गई है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है कि केवल अगर हम परपट का यूज करते हैं तो श्रेष्ठ औषधि है पित्त ज्वर के लिए, सारंगन ने बताया है, लेकिन अगर उसमें चंदन उसी और सुगंध वाला अगर हम ऐड कर देंगे तो ये उत्तम औषधि हो जाती है। ठीक है, तो क्या तीन चीजें ऐड करने से उत्तम हो जाती है? चंदन, उसीर और सुगंध वाला। ठीक है, अब हमारी जो फॉर्मुलेशन है आगे वो है कफज ज्वर की। उस कफज ज्वर में आपको दिख रहा होगा पटोला आदि, भुनिम आदि और बीज पूरक आदि। देखो बीज पूरक अपने हमने स्वरस में पढ़ा था, तो बीज पूरक हम कहाँ यूज कर रहे थे? हृदय सूर्य पार्श्व सूर्य में। फिर हमने बीज पूरक का पुटपाक बनाया था छर्दी रोग में। आज बीज पूरक आदि क्वा था वो है कफज ज्वर में, हो गया पॉइंट नंबर जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, नेक्स्ट पेज पे पॉइंट जी के बाद आएगा हमारा पॉइंट नंबर एच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर करते हैं, पंचभद्र क्वाथ। तो पंचभद्र क्वाथ में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि कौन सा पंचभद्र क्वाथ में द्रव्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचभद्र क्वाथ का द्रव्य नहीं है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड वन अमाउंट द पंचभद्र क्वाथ। तो हमें क्या है कि पांचों याद रखने हैं, ना हमें याद ही नहीं पता चलेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक है पंच मास्क। इसकी ट्रिक क्या है? पंच मास्क, पंच मतलब परपट, एम मतलब मुस्ता, ए मतलब अमृता, एस मतलब सुनती और के मतलब किरात। ट्रिक याद रखना, पंच भद्र मतलब पंच मास्क लगा के चलना है। ओके, इसका उपयोग क्या करते हैं? वात पित्त ज्वर। नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है अष्ट दशांग क्वाथ। अष्ट दशांग क्वाथ मेरे हिसाब से बहुत आगे वाले एक दो ईयर में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आने वाला है, अष्ट दशांग क्वाथ फॉर्मुलेशन में से पूछ सकता है अष्ट दशांग क्वाथ। ये इंपॉर्टेंट इनका रोगाधिकार है एच वर सारंगत। ये दोनों क्वाथ है, देखो दस मूल क्वाथ है, हम लोग क्या सोचते हैं सोथ भी हुए था, लेकिन ज्वर में उन्होंने बताया ये सन्निपात ज्वर में, तो थोड़ा स्ट्रेंज है, थोड़ा पूछ सकते हैं। अष्ट दशांग क्वाथ है, हम लोग सोच सकते हैं कि इसमें 18 द्रव्य है, संधिपात ज्वर में होगा तो हम लोग वहाँ पे कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हैं, लेकिन जो द्रव्य है उसको कैसे समझना है? तो यह है दसमूल। दसमूल आपको पता ही होंगे, दसमूल के बाद में हमें याद कैसे रखना है कि के ने एम डी किसने की? एम डी इन डी जी द्रव्य गुण, के एम डी इन द्रव्य गुण, ये ट्रिक है। के मतलब किरात और कटुकी, एम डी मतलब मुस्ताधान्यक, इन मतलब इंद्रयव नागर, डीजी मतलब देवदारू और गजपिपली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अष्ट दशांग क्वाथ के द्रव्य। ओके, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है कि देखो हम अभी क्या पढ़े थे, गुड़च्यादि द्रव्य के गढ़ हम यूज करते हैं सर्वज्वर, गुड़च्यादि क्वाथ हम यूज करेंगे वातज्वर, लेकिन अगर वही गुड़च्ची क्वाथ में हम पिपली चूर्ण मिला देंगे तो कहाँ यूज होगा? जीर्ण ज्वर में। तो ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद हमारा दो स्टार क्वेश्चन आता है देवदार आदि क्वाथ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रसूति में यूज होती है, ये थोड़ा हटके है प्रसूति के, प्रसूतिका में, ज्वर में, सूल में, श्वास में और भी कंडीशन में यूज होता है। और आज का हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है फलत्रिकादि क्वाथ। और फलत्रिकादि क्वाथ क्यों क्वेश्चन बन सकता है? क्योंकि चरक संहिता में जब हम लोग प्रमेय चिकित्सा देखेंगे तो वहां पे फलत्रिकादि क्वाथ का वर्णन है, लेकिन सारंगधर ने बिल्कुल हट के अपोजिट वे में बताया है कि फलत्रिकादि क्वाथ को प्रमेय में उन्होंने डिसीज का वर्णन नहीं किया है, उन्होंने वर्णन किया है वो डिसीज यूज की है कामला एंड पांडु। ओके, तो हमने आज आदि 50% फॉर्मुलेशन कवर की जो ज्वर से रिलेटेड थी। अब नेक्स्ट क्लास में जो अदर डिसीज की फॉर्मुलेशन है वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सभी इसी तरह की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ओके, और इसके अलावा जो सेक्शन सी है उसमें अलग अलग जो थी ना, यूस है, मंड है, चीरपाक है, बिलेपी है, जो भी चीजें बची थी वो तीन में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चैप्टर मानते हैं सेकंड चैप्टर। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर आता है ना फांट कल्पना, सबसे छोटा चैप्टर है। हिम कल्पना उससे भी छोटा चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर कौन सा आता है? कल्क कल्पना,
यहाँ तक सभी छोटे छोटे चैप्टर है। उसके बाद एक बड़ा चैप्टर आता है, वो आता है पूर्ण कल्पना, वो है 6 नंबर का चैप्टर। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें कैसे फोकस रखना है। डेफिनेशन पे हमें 16 गुणम द्रव्य पल पे फोकस रखना है, अष्ट आम्स अवशिषितम पे देखना है, और रेशियो याद रखना है 1:16 है। सिनोनिम्स में 2 सिनोनिम्स पे फोकस करना है, सरत पे और निर्यू पे। रेशियो में अत्यंत कठिन पे फोकस रखना है। मात्रा 2 पल है, कब देना है आहार रस पाक के बाद। टाइप ऑफ क्वाथ 7 है, उनकी ट्रिक क्या है, डीपीटी ने क्लेदन शोषण शोधन और समन किया। पॉइंट नंबर 6 हमारा प्रक्षेप द्रव्य है, तो हमें शर्करा अगर हम याद रख लेंगे तो अपोजिट हो जाता है मधु, तो हमें शर्करा याद रखना है। शर्करा मतलब 4, 8, 16, ये नहीं है कि 4, 6, 8 कर दो, 4 है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2, 8, 8 × 2, 16, इसका अपोजिट हो जाएगा मधु। पित्त में दोनों में कॉमन है 1/8, 1/8, और अगर सॉलिड द्रव्यों का यूज करना है तो हमें वनसाण है, और अगर हमें लिक्विड द्रव्यों का यूज करना है तो कर्ष मात्रा है। ये 2 नियम थे, ठीक है, कुछ फॉर्मुलेशन थी। सर्वज्वर हर कौन सा है, गुड़ इत्यादि गढ़। बाकी देखो आपको बातें जुड़ के 3 फॉर्मुलेशन मिलेंगी, पित्त ज्वर की 3 फॉर्मुलेशन, ठीक है, कफ ज्वर की 3 फॉर्मुलेशन, कब देना है वो 7 दिन, 10 दिन और 12 मिनट। ओके, नेक्स्ट हमारा पंचभद्र क्वाथ की टेक्निक थी, पंचमास्क। अष्टदशांग क्वाथ की टेक्निक क्या थी, केके ने MDG, केके ने MD किसने किया, DG, याद रखना KK MD in DG। नेक्स्ट उसके बाद हमारा कौन सा था, गुड़ुच्ची क्वाथ में अगर पिप्पल मिला देगी तो वीट का भी यूज होगा। नेक्स्ट है हमारा देवदरनादि क्वाथ सूतिका ज्वर में, और इम्पोर्टेंट जो लास्ट आज हमारा पॉइंट है वो है फलत्रिकादि क्वाथ आमला पांडु में था, और चरक ने बताया प्रमुख चिकित्सा में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे से देखेंगे।